हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हमने आपको स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स और जो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो ऑलरेडी कवर कर दिया था। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अवार्ड्स, यानी कि पुरस्कार जो 2018 में मिले उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं 1 जनवरी से लेके अभी तक जितने भी अवार्ड और पुरस्कार मिल चुके हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया गया है। जो नहीं कवर किया गया है वो मैं ऑलरेडी बता दूंगा। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा। अगर इससे ही बाहर आया तो आपकी किस्मत ख़राब है। यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 1-2 नंबर पक्का होने वाले हैं, यहाँ पे पक्के हो जाएंगे 1-2 नंबर आपके, पूरा वीडियो देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 1, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, नहीं दिया जाता है। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा ही दिया जाता है, और ये जो है काफ़ी लोगों को दिया जाता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं आएगा कि किसको मिला, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों को दिया जाता है हर साल। तो ये दिया किस में जाता है? ये विजुअल आर्ट्स में दिया जाता है, जैसे कला हो गया, नृत्य हो गया, नाटक हो गया, जितने परफॉर्मिंग आर्ट हो गए और विजुअल आर्ट्स हो गए उसमें दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इसी साल अशोक चक्र मिला? तो अशोक चक्र शांति के दौरान मिलने वाला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, मतलब सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जिसको बोलते हैं होता है। वैसे सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, लेकिन वो युद्ध के दौरान होता है, लेकिन शांति काल के दौरान सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है अशोक चक्र। तो इस साल एयरफोर्स के कर्नल ज्योति प्रकाश निराला को मिला, ठीक है? इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला। एयरफोर्स में बहुत कम लोगों को मिला हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट, किसे 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों, इस साल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड दिया गया आशा भोसले जी को। ओके, याद रखना आशा भोसले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में 90वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अकेडमी अवार्ड, जिनको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बार 90 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे पुरस्कार, उसमें सबसे जो बेहतरीन फिल्म का पुरस्कार मिला है वो मिला है द शेप ऑफ वाटर को। ओके, द शेप ऑफ वाटर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड से जुड़ी कुछ बातें जो इस साल इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। बेस्ट फिल्म का तो देख लिया, द शेप ऑफ वाटर को मिला हुआ है, तो बेस्ट एक्ट्रेस भी आप लोग देख लेना, फ्रांसिस मैकडरमंड को मिला हुआ है, उनकी मूवी द 3 बिलबोर्ड आउटसाइड इबिंग मिसौरी। ओके, तो ये मूवी भले आपने याद रखना, लेकिन ये फ्रांसिस मैकडरमंड जरूर याद रखना। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है गैरी ओल्डमैन को, ठीक है? उनकी मूवी डार्केस्ट आवर में उन्होंने विंस्टन चर्चिल का रोल निभाया इस मूवी में, गैरी ओल्डमैन। ओके, तो ये 3 चीज़ें जरूर लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम पे आया था, ठीक है? तो 2017 में मिला, 2018 में है, लेकिन 2017 का पुरस्कार था ये, विनोद खन्ना जी को मिला है मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 के लिए, हाँ, इसमें बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, कि इस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है आसामी फिल्म विलेज रॉक स्टार्स को। ओके, आसामी भाषा की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है श्रीदेवी को, उनकी मूवी मॉम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रिद्धि सेन को मिला हुआ है। लास्ट ईयर आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, तो उस समय अक्षय कुमार को मिला था 2016 में, उनकी फिल्म जो आई थी, क्या नाम है, रुस्तम के लिए शायद मिला था उनको। तो इस साल का रिद्धि सेन को मिला हुआ है श्रीदेवी और विलेज रॉकस्टार मूवी। और सबसे लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार बाहुबली 2 को मिला हुआ है। ओके, तो ये याद रख लेना आप लोग, 65th जो नेशनल अवार्ड है उनसे संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2017 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो आपके के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक सरस्वती सम्मान, एक बिहारी सम्मान और दूसरा, तीसरा होता है व्यास सम्मान। तो इस साल सरस्वती सम्मान
गुजराती साहित्यकार सितांशु यशचंद्र जी को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 2018 का यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिला है? तो ये इसलिए चर्चा में था पुरस्कार क्योंकि मोहम्मद अबू जायद को मिला हुआ यह पुरस्कार। इजिप्ट के फोटोग्राफर हैं, पत्रकार भी हैं, इनको इसलिए मिला। ये एक्चुअली ये अभी जेल में है, ठीक है, लेकिन इनको ये पुरस्कार मिला हुआ, उसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस साल बहुत सारे लोगों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, तो हर साल ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, तो जो ज़्यादा लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे ऐसा कम पूछा जाता है कि किसको मिला है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट, किसे 2018 का मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला? तो जब बुकर पुरस्कार आए तो आप ज़रूर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मान बुकर पुरस्कार और एक होता है मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो ये इंटरनेशनल पुरस्कार की बात हो रही है, तो ये इंटरनेशनल पुरस्कार मिला हुआ है ओल्गा टोकार्जुक। ठीक है, ओल्गा टोकार्जुक एक पोलैंड की लेखिका हैं, इनको इन्होंने एक नॉवेल था जेनिफर क्राफ्ट का, ठीक है, फ्लाइट्स, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। तो जो इसकी पुरस्कार राशि होती है वो दोनों में 50-50% बढ़ जाती है। तो जो मान बुकर इंटरनेशनल अवार्ड होता है ये अंग्रेजी भाषा में अगर अनुवाद किया हुआ भी है उसको भी मिल जाता है। तो ये भी रिसेंटली मुश्किल से 12-13 साल पहले के 2002-3 के आसपास से स्टार्ट हुआ, लेकिन मान बुकर पुरस्कार जो केवल होता है वो बहुत पुराना पुरस्कार है, 1969 से चल रहा है वो। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आप लोग। 2018 में किसे कालिदास सम्मान मिला है? तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, ये भी विजुअल आर्ट्स में मिला है, तो कला के क्षेत्र में एंजेलो एंजोली इला मेनन को मिला हुआ है इस साल कालिदास पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्न में से किसे इस वर्ष रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि ये एशियाई लोगों को ही मिलता है। ओके, फिनलैंड, सॉरी, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे भूतपूर्व रमन मैग्सेसे, उनका एक फंड है उससे दिया जाता है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में हर साल ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो इस साल ये दो भारतीयों को भी मिला है, किसको? एक सोनम वांगचुक और एक भरत वटवानी। सोनम वांगचुक पता है कौन है? ये इन्होंने लद्दाख के क्षेत्र में, लद्दाख है ना भारत का एरिया, वहाँ पे शिक्षा और कल्चर के में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, नए नए इनोवेशन किए शिक्षा के क्षेत्र में। थ्री इडियट्स मूवी देखी थी उसमें आपने, तो आमिर खान जब लास्ट में जाता है उसका फुंगसुक वांगचुक नाम कर बन के, ठीक है, तो वो इन्हीं से प्रेरित है, सोनम वांगचुक से। वहाँ आमिर खान जो स्कूल खोले हुए होता है एंड ऑल, तो वो सोनम वांगचुक का ही करेक्टर दिखाया गया उसमें। ठीक है, बहुत काम किया इन्होंने वहाँ पे। और दूसरे हैं भरत वटवानी, इन्होंने जो मेंटली इल लोग होते हैं मुंबई में उनके लिए काफ़ी काम किया हुआ है, तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, दो भारतीयों को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक के बारे में और पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर हैं। नेक्स्ट, तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? ब्रिक्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? बी से ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन सारे देशों का एक संगठन है, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये इनका फिल्म महोत्सव भी, फिल्म फेस्टिवल भी स्टार्ट हो गया है पिछले 3 सालों से। तो इस साल का जो हुआ वो डरबन में हुआ, साउथ अफ्रीका में है डरबन, ओके, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, 2018 का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार तो इस साल का मिला हुआ है गोपाल कृष्ण गांधी को, है ना, महात्मा गांधी पौत्र हैं, महात्मा गांधी सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के पुत्र हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं और बहुत सारे पोर्टफोलियो पर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं, राज्यपाल भी। नेक्स्ट, किस भारतीय एयरपोर्ट को 5 से 15 मिलियन की कैटेगरी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो इस साल हैदराबाद एयरपोर्ट है उसको 5 से 15 वाली मिलियन कैटेगरी की, जो आपके यात्रियों वाली कैटेगरी है उसमें जो है बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया हुआ है, नंबर 1 रैंक हैदराबाद।
भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली फिल्म कौन सी है? सर, हर साल विदेशी भाषा की श्रेणी में एक फिल्म भारत की ओर से भेजी जाती है, तो उसमें इस साल जो विलेज रॉकस्टार असामी भाषा की मूवी है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है वही गई हुई है। नेक्स्ट, किसे 2018 का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है? ये मैंने ऑलरेडी कवर किया था, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। तो इस साल का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये देता कौन है? मैं पर्यावरण पढ़ा रहा था तभी बताया था, ये UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है ये देता है। तो इस साल का मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने सोलर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, मैंने पढ़ाया था एक वीडियो में कि क्या है सोलर अलायंस, उसमें इनकी काफ़ी अहम भूमिका बनी है, ठीक है, इसके लिए। इसके भारत में इसके पहले भी तुलसी तांती जो सुजलान के संस्थापक हैं, जो पंचक्कियाँ वाली जो मतलब हवा से बिजली बनाते हैं, सुजलॉन कंपनी है, और एक अफरोज आलम, ठीक है, इन्होंने जो मुंबई का वर्सोवा बीच है उसको साफ़ किया था, बहुत बड़ा योगदान रहा इनको। इन दोनों को ऑलरेडी ये पुरस्कार मिल चुका है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों इस साल इंडिया की गवर्नमेंट ने एक विश्व कृषि पुरस्कार देने की घोषणा की है, और ये पुरस्कार स्टार्ट हो गया, और प्रथम पुरस्कार मिला है MS स्वामीनाथन को, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आया था, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को पहला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक। किसे 2018 का सियोल शांति पुरस्कार मिला है? तो सियोल ओलंपिक हुए थे, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वहाँ पर ओलंपिक हुआ था, तो उसके बाद से वहाँ पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी कि जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पे शांति बनाने के लिए। तो इस साल का जो अवार्ड मिला हुआ है वो मिला है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को इस साल दो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हुए हैं, एक तो सियोल शांति पुरस्कार और दूसरा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो इसके, ठीक है, ये नेक्स्ट बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा? अब ये दिया नहीं गया है, ये एक ऐसा विचार किया गया है कि जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी, जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज हैं, जैसे NDRF हो गई, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और SDRF, राज्यों में बहुत सारी जो SDRF बना रखी हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो इसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही लोग होते हैं, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड के नाम से, ठीक है। किसे हाल ही में फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड मिला है? तो विप्रो IT कंपनी है, जो विप्रो, उसके संस्थापक अजीम प्रेम जी को फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड, लीजन ऑफ ऑनर, इस अवार्ड का नाम है, वो दिया गया है। इसके पहले रतन टाटा को भी मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को, शाहरुख खान को भी मिल चुका है, अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है पुरस्कार। ये अजीम प्रेम जी बहुत ही फिलोंथ्रोपिस्ट हैं भारत के, बहुत दान देते हैं। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी दिया गया है, एक हफ्ते पहले ही, शायद इसी वीक में दिया गया है, ये अमिताभ घोष को दिया गया है, ठीक है, बंगाली हैं ये, लेकिन अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं अमिताभ घोष, दून स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने पढ़ाई की है, इनको मिला हुआ है ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट, किसे 2018 का स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला हुआ है? तो दोस्तों, जो स्मार्ट सिटी चूज़ करने के लिए बहुत सारे शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो उसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहा है, उसमें हर साल इनको अवार्ड दिया जाता है कि कहाँ सबसे अच्छा काम हो रहा है, तो इस साल जो अवार्ड मिला हुआ है वो मिला हुआ है सूरत को। लास्ट टाइम आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है, तो उस समय इंदौर था, ठीक है, तो स्वच्छ शहर तो स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी भी इंदौर ही है, लेकिन हो सकता है इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, स्मार्ट सिटी अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किसको 2018 की मिस इंडिया का खिताब दिया गया है? तो आपको पता होगा अनुकृति वास को 2018 की मिस इंडिया का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2018 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार, क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे, मतलब किसको सबसे, मतलब बेस्ट फिल्म अनुकूल राज्य, मतलब जहाँ पे फिल्में बनाने के लिए सबसे अच्छी जो है सुविधाएं उपलब्ध हों और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो इस साल का जो पुरस्कार मिला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, रामनाथ कोविंद जी ने दिया था, पुरस्कृत किया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिला हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश को, शायद लास्ट ईयर राजस्थान को मिला था अगर मैं
गलत ना हूँ तो, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश को मिला 2018 का, याद रखना आप लोग, लास्ट ईयर का नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया तो आपने देख लिया, तो मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब अभी दिसंबर में ही चुनी गई है, वनेसा पोंस डी लियोन सांचेस, ठीक है, वनेसा पोंस डी लियोन सांचेस मैक्सिको की हैं, ठीक है, इनको जो है मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब दिया है। मनुषी छिल्लर जो कि भारत की लास्ट ईयर मिस वर्ल्ड थी, उन्होंने इनको क्राउन पहनाया। नेक्स्ट, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखो मैंने बताया था ना, मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, तो अभी आ गया मैन बुकर, ठीक है, वही मान बुकर बोले मैन बुकर, तो मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला हुआ? एना बर्न्स को मिला हुआ। एक वीडियो मैंने कवर किया था, उत्तरी आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड की लेखिका हैं एना बर्न्स, इनको दिया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2018 को किससे 27वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है ना, तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है ममता कालिया जी को। नेक्स्ट, किसे सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद, राज्यसभा में सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार दिया गया है, तो मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में एक ज्यूरी थी, उन्होंने डीएमके की जो सांसद हैं कनीमोझी, उनको जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट, 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उसमें एक पुरस्कार होता है भारत भारती सम्मान, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है, ठीक है, भारत भारती सम्मान, तो वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया हुआ है रमेश चंद्र शाह जी को, भारत भारती पुरस्कार दिया गया है रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार वो दिया गया हुआ है 2018 का अरुणा साईराम को, ठीक है, अरुणा साईराम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, किसे वर्ष 2017-18 के लिए सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? सीएट जो टायर ट्यूब बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, वो हर साल क्रिकेट अवार्ड्स भी देती है, बहुत सालों से दे रही है, तो इस साल का जो बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड दिया गया वो दिया गया विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मई 2018 को के बिरला, हाँ मैंने बताया था ना के बिरला फाउंडेशन तीन पुरस्कार देता है ना, कौन कौन से? व्यास सम्मान जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, और बिहारी पुरस्कार, और एक सरस्वती सम्मान। तो जो बिहारी पुरस्कार होता है वो किसी राजस्थान के ही लेखक को दिया जाता है जिसने राजस्थानी या हिंदी में कोई ले उसकी कृति को, ठीक है, तो लोकावलोकन नामक शायद कोई कृति थी, उसके लिए विजय वर्मा को जो है बिहारी पुरस्कार दिया गया है 2018 का, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, किससे 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत सर गैरी फील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ठीक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जनवरी में दिए गए हैं दोस्तों पुरस्कार, अगले अभी जनवरी आएगी तो उसमें पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम अभी तक पुरस्कार इस साल मतलब अभी यही लेटेस्ट हैं, ठीक है, जनवरी 2018 में दिए गए थे, साल भर होने को है लेकिन अभी यही लेटेस्ट हैं, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला था वो विराट कोहली को मिला था, और बेस्ट एक दिवसीय क्रिकेटर का अवार्ड भी विराट कोहली को मिला था, और बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला था स्टीव स्मिथ को। ओके, तो ये याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ऑसम डे। पूरा जो है आपका इसमें अवार्ड्स हैं, इसको आप रट लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर शायद कोई प्रश्न आ सकता है, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि मैंने इस पे नोबेल पुरस्कार नहीं कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि उसको उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, इसलिए नोबेल अवार्ड मैंने कवर नहीं किए हैं, तो वो देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट सब मैंने कवर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।